Hello friends, welcome to my YouTube channel Star Notes Language and Literature. So, today we are going to learn about the life of Albert Camus. He is one of the very famous author of the absurd literature. बहुत ही ज़्यादा famous है क्योंकि absurdity के जब भी हम बात करते हैं, जब भी कहीं पर भी हम absurd literature की बात करते हैं, तो Albert Camus के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा important role play किया है absurdity को लेकर के, ठीक है, absurd literature के field में. तो उनका हम एक बहुत ही फेमस कोट है, तो ये आप जो फोटो देख रहे हैं ये एल्बर्ट कैमस है और उनका एक बहुत ही फेमस है कि कभी कभी किसी भी चीज़ को अगर हम वर्ल्ड को समझना चाहते हैं, वर्ल्ड को अगर हम समझना चाहते हैं तो कभी कभी हमें उससे क्या है कि उसे टर्न अवे हो जाना चाहिए, यानी कि कभी कभी उसको समझने के लिए हमें उससे दूर हो जाना चाहिए. उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से इन्होंने द मिथ ऑफ सिस्फस को लिखा. जो मिथ ऑफ सिस्फस है, इन्होंने एल्बर्ट कैमस को सक्सेस के हाइट पे पहुंचा दिया, ठीक है. हम ये देखेंगे कि किस तरीके से मिथ ऑफ सिस्फस इतना ज़्यादा फेमस हो गया, क्यों इतना ज़्यादा फेमस हो गया है, ठीक है. लेकिन मिथ ऑफ सिस्फस को पढ़ने से पहले, किसी भी स्टोरी को पढ़ने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि उस वक्त के राइटर क्या थे, मतलब जिन्होंने उस ऐसे को लिखा है. द मिथ ऑफ सिस्फस एक ऐसे है जिसको एल्बर्ट कैमस ने लिखा है, तो हम ये देखेंगे कि किस तरीके से ये इतना फेमस हुआ. तो किसी भी ऐसे को पढ़ने से पहले हमें राइटर के बारे में जानना जरूरी होता है, थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड नॉलेज लेना जरूरी होता है कि ये जो राइटर है पर्टिकुलर किस एरा से बिलोंग करते हैं, उस वक्त का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या चल रहा था, तब जा करके हम किसी भी ड्रामा, किसी भी प्रोज, किसी भी पोएट्री, किसी भी ऐसे को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे. तो बेसिकली हम शुरू करते हैं एल्बर्ट कैमस की लाइफ से. इनका जो टाइम पीरियड रहा था वो 7 नवंबर 1930 से लेकर के 4 जनवरी 1960 तक इनका टाइम पीरियड रहा था. ये फ्रांस के बहुत ही ज़्यादा अच्छे एक फिलोसोफर, ऑथर एंड जर्नलिस्ट रहे हैं. 1957 में इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है लिटरेचर में, तब ये सिर्फ और सिर्फ 44 इयर्स के थे. इनका जन्म जो है वो फ्रांस के अल्जीरिया में हुआ है, ठीक है. और इनकी जो मम्मा का नाम था वो कैथरीन था, इनके पापा का नाम लूसिन था और इनके पापा जो है वो एग्रीकल्चर वर्कर थे, ठीक. इनके पापा का जो ना वो डेथ हो जाता है बैटल ऑफ मरीन में 1940, जो कि वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान इनके पापा का डेथ हो जाता है. और क्या था ना कि इन लोग इनका जो जन्म होता है ना फ्रांस में, वहाँ पर इन लोग बहुत गरीब परिवार से थे और चूंकि इनका जन्म अल्जीरिया में हुआ था, तो अल्जीरिया में इन लोगों को लोग ना पाइड नायर कहकर बुलाते थे. इसका मतलब ये होता है फ्रेंच में, ये एक गाली होता है जो इस तरीके से इन लोग को बुलाया जाता था. मतलब कि आप ये बोल सकते हो कि गरीबी का बहुत बुरा इफेक्ट जो है इन्होंने देखा है. अब गरीबी का जो बहुत बड़ा इफेक्ट दिया है इन्होंने झेला है, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव इनके मस्तिष्क पे हमेशा रहेगा, इनके माइंड पे वो चीज़ें हमेशा स्टोर रहेंगी क्योंकि चाइल्डहुड मेमोरीज जो है वो जल्दी नहीं जाती हैं. बचपन में इन्हें स्विमिंग, फुटबॉल का भी बहुत ज़्यादा शौक था. 1930 में क्या होता है कि इनको ना टीबी हो जाता है, ठीक है. एल्बर्ट कैमस को टीबी हो जाता है और फिर ये क्या करते हैं कि अपने फ्रेंड्स घर को छोड़ करके, और जब ये छोटे ही थे ना तो उस वक्त क्या होता है कि वहाँ पे ना फ्रांस पे जर्मन का आक्रमण हो जाता है. तो जैसे कि वर्ल्ड वार एरा चल रहा था तो आक्रमण हो जाता है और उस वक्त इनको 1930s में क्या हो कि इनको टीबी हो जाता है, तो ये अपने अंकल के पास चले जाते हैं रहने के लिए वहाँ से छोड़ करके. फिर ये तो गरीब तो थे ही, तो गरीबी को दूर करने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए इन्होंने छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया. जैसे कि इन्होंने कारपेंटरी शुरू कर दी, इन्होंने ट्विटर के रूप में काम करना शुरू कर दिया. बाद में चल के इनको मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में भी एक असिस्टेंट के तौर पर जॉब मिल गई. 1930 में तो ये फ्रांस के बाहर चले गए. फिर 1936 में फिलोसफी से इन्होंने बीए की डिग्री पूरी कर ली. 1934 में क्या होता है कि ये रिलेशनशिप में आते हैं, सिमोन करके एक लेडी थी जो इनकी गर्लफ्रेंड बनती है उस वक्त. और ये जो इनकी गर्लफ्रेंड थी ये क्या थी कि मॉर्फिन एडिक्टेड थी, यानी अपने मेंस्ट्रुअल पेन को कम करने के लिए ये मॉर्फिन को ये करती थी, कंज्यूम करती थी. इनके अंकल को ये रिलेशनशिप बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इसलिए इनके अंकल जी ने मना कर दिया कि नहीं आप इस रिलेशनशिप में मत रहो. लेकिन जो एल्बर्ट कैमस है इन्होंने बात को नहीं मानी और शादी कर ली है. लेकिन लास्टली इनका जो शादी है बहुत ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया और फाइनली इन लोग का डाइवोर्स जो है वो हो जाता है. और उसके बाद इनकी जो पत्नी भी थी उनका भी किसी डॉक्टर के साथ अफेयर हो जाता है और ये जो है ना
अल्बर्ट कैमस भी बहुत ज़्यादा मतलब शरीफ टाइप के इंसान तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इनका भी हमेशा अफेयर्स के जो है वो चीज़ें हम लोग को मतलब सुनने को मिलती हैं, ऐसा बुक्स में लिखा गया है। तो ये था इनका कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में। मैं आपको ये सब क्यों समझा रही हूँ कि इनके लाइफ में क्या चल रहा था, क्योंकि जो चीज़ हम लाइफ में झेल रहे होते हैं ना, तो वही चीज़ हम लोग मतलब हम लोग नहीं, कोई भी जो चीज़ अपनी ज़िंदगी में अनुभव कर रहा होता है, वही राइटर जो है वो चीज़ों को अपने ऐसे में, पोइट्री में, प्रोज में लिख रहा होता है। ठीक है, जैसे कि अभी पैंडेमिक एरा में बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अपनी फैमिलीज़ को खो दी होंगी, तो जब आगे चलकर वो राइटर बनेंगे तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का इफेक्ट उनके दिमाग पर रहेगा। तो इसलिए मैं आपको ये सब समझा रही हूँ कि कैसे इन्होंने इतने अच्छे ऐसे को लिखा। ठीक है, क्योंकि ये बचपन से गरीबी से पले बढ़े, इन्होंने सब कुछ देख लिया, प्यार देख लिया, डाइवोर्स देख लिया, ये पूरा विमेन के ग्रुप के साथ रह करके देख लिया इन्होंने, उसके बाद में छोटी मोटी से लेकर के हर बड़ी से बड़ी जॉब तक इन्होंने देखा है ज़िंदगी को। ठीक है, फिर बता दिया हमने कि इन्होंने अपनी जो फिलॉसफी की स्टडी है यूनिवर्सिटी ऑफ अल्जीरिया से ही की थी। बाद में क्या हुआ कि इन्होंने फ्रेंच कम्युनिस्ट पार्टी को भी ज्वाइन कर लिया था, बाद में आगे चल कर के एक प्रोफेसर और बहुत सारे न्यूज़पेपर में एडिटर इन चीफ बन के उभरे थे। अब इनका कुछ हम फेमस वर्क्स देख लेते हैं। इनका जो सबसे पहला फेमस वर्क जो था वो द स्ट्रेंजर था, जो कि ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन सेकंड जो है वहाँ पे द प्लेग करके है। जो ये द प्लेग है ना, ये इसको आप लोग थोड़ा अलग कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये मेरे साथ एक साथ टाइप हो गया, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, द प्लेग को आप अलग कर लीजिएगा। द मिथ ऑफ सिस्फस, ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है जिसको बताने की जरूरत नहीं है। द फॉल, द रिबेल, इनका जो ये फेमस वर्क है, आप लोग जब भी लिखें तो फेमस वर्क कभी भी नहीं भूलेंगे आप लोग लिखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। टीचर आपका सिर्फ फेमस वर्क देख के समझ जाएगा कि आपने कितनी प्रॉपर स्टडी की हुई है इनके बारे में। और यकीन मानिए कि इस वीडियो के बाद आपको एब्जर्ड लिटरेचर तो समझ जाएंगे किस तरीके से होता है, क्योंकि मैं अभी एब्जर्ड लिटरेचर नहीं पढ़ा रही हूँ, आगे की वीडियोज में मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क होता है, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। अब हम शुरू करते हैं द मिथ ऑफ सिस्फस था क्या। ठीक है, तो जो मिथ ऑफ सिस्फस था, ऐसा जो है फिलोसफिकल, ये मिथ ऑफ सिस्फस क्या है, सबसे पहली बात, मिथ ऑफ सिस्फस एक फिलोसफिकल ऐसे है जिसको लिखा अल्बर्ट कैमस ने है, 1942 में इसको लिखा गया है। ठीक, क्या चीज है ये, प्रोज नहीं है, ड्रामा नहीं है, पोइट्री नहीं है, ये क्या है, एक साइकोलॉजिकल ऐसे है, साइकोलॉजिकल ऐसे है जिसको लिखा है अल्बर्ट कैमस ने 1942 में। ठीक है, कैमस इसका इंट्रोडक्शन एक फिलॉसफी ऑफ द एब्सर्ड के रूप में कराते हैं। फिलॉसफी ऑफ द एब्सर्ड का मतलब क्या है कि एब्सर्ड का फिलॉसफी क्यों, फिलॉसफी कैसे है वो बताऊंगी आगे चल करके, लेकिन एब्सर्ड के बारे में इतना लिख रहे हैं क्योंकि इनको पता चल चुका था कि जिंदगी में कुछ भी नहीं है। सबको पता है कि जिंदगी में कुछ भी नहीं है, जो आप, खैर इस बात को मैं आगे एलाबोरेट करूंगी इन द फाइनल चैप्टर। और फाइनल चैप्टर में क्या होता है कि कैमस जो है वो कंपेयर करते हैं। सबसे पहले फाइनल चैप्टर के बारे में समझने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि फाइनल चैप्टर में कॉमस कंपेयर कर रहे होते हैं मैन के लाइफ को एब्सर्डिटी के साथ में। क्या बोलते हैं कि सिस्फस नाम का एक इंसान था जिसको ग्रीक मैथोलॉजी के अनुसार भगवान ने ये उसको कर्ज दे रखा था, श्राप दे रखा था, उसको बोला था कि ठीक है, पनिशमेंट आप बोल सकते हो कि उनको पनिशमेंट का तौर पनिशमेंट दे रखा था कि आपको जो है उस इंसान को बोला गया कि आप एक रॉक को माउंटेन के टॉप लेवल पे पहुंचाना है। आप सोचो कि माउंटेन की हाइट सीधी होती है, ठीक है, तो माउंटेन इस तरीके से माउंटेन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए कि ये हमारा रॉक है, ठीक, इस रॉक को एक आदमी आय से पुश करके इसको ऊपर की तरफ चढ़ा रहे हैं। ओके, बोला गया है, इनको पनिशमेंट मिला है सिस्फस को कि आप जो है इस रॉक को यहाँ पर पहुंचाएंगे। जैसे ही ये रॉक यहाँ पर पहुंच जाएगा उसके बाद क्या होगा, या तो ये रॉक इधर ढलक जाएगा, मतलब इधर जो है वो फॉल कर जाएगा, या इधर, ठीक है, यानी कि इधर उधर ये गिरता रहेगा। और काम क्या है मिला है मिस्टर सिस्फस को, सिस्फस को यही काम मिला है कि आप इसको टॉप पे पहुंचा के रखोगे। सेम चीज हम लोग, ये आपको समझ में आया, ये ग्रीक मिथोलॉजी के अनुसार जो है इनको ये टास्क मिला हुआ था, ये एक पनिशमेंट इनको मिल रखा था। और यही जो है ये एक स्टोरी है जिसके बारे में मिथ ऑफ सिस्फस करके जो है, ठीक है, सिस्फस नाम का एक कैरेक्टर है जो कि बोला गया है कि आप इस पत्थर को पहुंचा दो। अब होता क्या है, इस चीज से क्या राइटर के दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है,
राइटर सोच रहे हैं कि जो कैमस हैं, अल्बर्ट कैमस, वो क्लेम करते हैं कि यहाँ पर ना फंडामेंटल कन्फ्लिक्ट चल रहा है। किसके किसके बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है? हमें क्या चाहिए यूनिवर्स से और यूनिवर्स हमको क्या देता है, ठीक है। हम हमेशा अपनी इच्छाओं पे काबू नहीं करते हैं, नहीं, हमें जैसे ही हम अपना फर्स्ट टारगेट कंप्लीट कर लेते हैं, हम उससे बड़ा और ऊंचा टारगेट अचीव करना चाहते हैं। लास्ट में क्या होगा कि हम सब कुछ अचीव कर लेंगे, एक हाइट के बाद हम डिक्लाइन ही करने लगते हैं, लेकिन फिर भी हम ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं ये जो मिथ ऑफ सिस्फस की स्टोरी है, हम सब अपने डेली लाइफ में यूज टू होते हैं उससे। तो वही कैमस का ये क्लेम करना था कि फंडामेंटल कन्फ्लिक्ट है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो हम चाहते हैं वो हमें कभी नहीं मिलता, और उससे कभी कभी हमें अच्छा मिल जाता है या कभी कभी बुरा, लेकिन कभी वो चीज़ नहीं मिलती जो हम चाहते हैं। तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट है, व्हाट वी वांट फ्रॉम द यूनिवर्स, हम यूनिवर्स से क्या चाहते हैं, वेदर इट बी मीनिंग, ऑर्डर, रीजन, कोई भी रीजन हो, कोई भी मतलब हो, हम क्या चाहते हैं, एंड व्हाट वी फाइंड इन द यूनिवर्स, और हमको यूनिवर्स में मिलता क्या है? फॉर्मलेस कैओस, सिर्फ हम लोग को कैओस मिलता है। वी विल नेवर फाइंड इन इटसेल्फ द मीनिंग दैट वी वॉन्ट टू फाइंड, हमें कभी वो मतलब नहीं मिल पाता है कि हम क्या खोजना ढूंढना चाहते हैं, ठीक है। हम जो यहाँ पे ढूंढना चाहते हैं उसका हमको नहीं मिल पाता है। तो हम क्या करते हैं जब कोई भी चीज़ हमको नहीं मिल पाती है, तो हम क्या करते हैं, हम एक ऐसे चीज़ में होप बना लेते हैं कि जैसे कि हम बोलते हैं कि ठीक है, अब हमको जब बोलते हैं कि जब कोई हेल्प नहीं करता है, कुछ नहीं होता, तो आपको भगवान का सहारा लेना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब कुछ भी काम नहीं आ रहा होता है तो हम एक ऐसी चीज पे विश्वास करने लग जाते हैं जिसको किसी ने नहीं देखा है, जो कि हमारे बियॉन्ड दिस वर्ल्ड है, उन सब चीज़ों पे हम विश्वास करने लग जाते हैं, ठीक है। क्योंकि उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आता है। हम लोग देखें, ये हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देके बताते हैं। हमारी ज़िंदगी में क्या होता है कि बचपन से लेकर के जब हम बड़े हो रहे होते तो अपने गोल्स, अचीवमेंट, एग्जाम पास करना है, हम लोग को सक्सेस पाना है, नेम एंड फेम पाना है। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे चलो हमने नेम एंड फेम पा लिया, सक्सेस पा लिया, अब हमारे पास जिंदगी में सब कुछ है, लेकिन लास्टली हमें पता चलता है कि हमारे पास अब वक्त नहीं है, अब हमारे जाने का टाइम हो चुका है। तो लास्टली हम क्या कहते हैं कि नहीं, अब हमें भगवान का प्रार्थना करना चाहिए, भगवान में हमें ध्यान लगाना चाहिए। यहाँ पर और हिंदू धर्म में तो ये परंपरा भी है, इनफैक्ट जितने भी रिलीजन्स हैं सब में है, जैसे कि मुस्लिम्स में है कि हज यात्रा की जाती है, हिंदू में है कि चार धाम यात्रा बोला जाता है, कि जितने बुजुर्ग लोग हैं चार धाम यात्रा, क्योंकि वो लोग समझ चुके होते हैं कि जिंदगी में पर्पस, जिंदगी मतलब में कुछ भी नहीं है, ठीक। हम लोग खामोखा की दौड़ भाग में लगे हुए हैं, क्योंकि अभी देखिए हम लोग खामोखा के दौड़ भाग में लगे हुए हैं, ये लोगों को बुजुर्ग होने के बाद ही समझ में आता है। उसके पहले लाइफ, करियर, गोल सेटिंग, अचीवमेंट, सक्सेस, नेम फेम सब कुछ चाहिए होता है, लेकिन जैसे ही हम बुजुर्ग लोग होते हैं उन्हें सब समझ में आता है कि जिंदगी में सब मोह माया है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी साथ में नहीं जाएगा आपके। तो ये चीज को समझ चुके हैं, और सेम अल्बर्ट कैमस जो है इस बात को समझ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी के हर उतार चढ़ाव को देखा है, वर्ल्ड वार को देखा है, अपने पापा के डेथ को देखा है, अपनी गर्लफ्रेंड को देखा, गर्लफ्रेंड के साथ उन्होंने शादी की, डाइवोर्स को देखा है, उसके बाद में उन्होंने अपने सर्वाइवल के लिए क्या कुछ किया, लास्ट में उनको ये सब कुछ समझ में आता है कि कुछ भी नहीं है लाइफ में, लेकिन हाँ, अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं तो हमको किसी न किसी चीज के ऊपर बिलीव करना होगा, तभी अगर हम जिंदा रह पाएंगे। क्योंकि जिस दिन हम ये सोच लेंगे ना कि लाइफ मीनिंगलेस है, तो उसी दिन हम उसके बाद हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, हमारे जीने का मकसद ही खत्म हो जाएगा। तो ये था बहुत ही द मिथ ऑफ सिस्फस का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्टोरी। सो आप लोगों को कैसा लगा? और एब्सर्ड लिटरेचर को समझने से पहले आपको उनका जो भी उसमें एग्जांपल्स के तौर पे जो भी ड्रामा, प्रोज, पोएट्री का और जो ऐसे है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि मैंने इस स्टोरी को किस तरीके से एलैबोरेट किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 लाइक करें, एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि कमेंट करने से पता चलता है ना कि कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वरना मैं खुद से तो उतना नहीं समझ पाऊंगी कि कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन आपका जो वैल्यूएबल कमेंट है वो मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो आप अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। सो थैंक यू वेरी मच।